हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टाइगर में। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप। आज मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते होंगे और आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पर काफ़ी लोग स्टेटस लगाते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए और आपकी फैमिली में भी काफ़ी लोग स्टेटस लगाते होंगे। अब आप जो है उन स्टेटस को 24 आवर्स तक देख सकते हो, अदरवाइज वो स्टेटस 24 आवर्स बाद हट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग जो है उन स्टेटस को 7 डेज तक देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, आप उन स्टेटस को 7 दिन के बाद भी देख सकते हो। अभी आपको कैसे देखने हैं और आपको अपने फ़ोन के अंदर कैसे सेव करने हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा वीडियो के अंदर। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, आप लोग 7 दिन पुराने स्टेटस कैसे देख सकते हो व्हाट्सएप के और अपने फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट शुरू करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में। आप लोग व्हाट्सएप के 7 दिन पुराने स्टेटस देख सकते हो किसी के भी। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, काफ़ी लोग होते हैं स्टेटस लगाते हैं 24 आवर्स में हट जाते हैं, बट आप लोग देख नहीं पाते। अब आप लोग चाहते हो उन स्टेटस को देखना, तो आप लोग उन स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हो और उनको देख भी सकते हो। अभी आपको कैसे देखने हैं मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, उसका नाम है व्हाट्सएप स्टेटस। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने प्ले स्टोर में। ये मैंने ऐसे प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोग ही व्हाट्सएप स्टेटस एप्लीकेशन जानते होगे और यूज़ भी करते होगे। मैं यहाँ पे इस पर सर्च कर लेता हूँ, पहली एप्लीकेशन आएगी और दूसरी आएगी। आपको दूसरी वाली पर टैप करना है इस तरीके से। इसके 100 मिलियन डाउनलोडर हैं, तो आप इसे डाउनलोड करना, ये बेस्ट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हर कोई इसे यूज़ करता होगा, लेकिन आपको ये नहीं बताओ कि आप इसके अंदर से 7 दिन पहले के स्टेटस भी रिकवर कर सकते हो। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, 7 दिन के स्टेटस भी रिकवर कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये इमेजेस हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सअप वेब, दूसरा आ रहा है 7 डेज ओल्डर स्टेटस। अब जिस जिस बंदे ने स्टेटस लगाए थे उनके 24 आवर्स बाद स्टेटस ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग स्टेटस देख नहीं पाते, तो आप यहाँ से उन स्टेटस को देख भी सकते हो और अपने फ़ोन के अंदर रिकवर भी कर सकते हो। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, यहाँ पे लिखा रहा है 7 डेज ओल्डर स्टेटस। आप इस पर टैप करोगे, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे सारी इमेजेस आ जाएंगी और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी के भी स्टेटस को देख सकते हो। अगर आप लोगों ने उसका स्टेटस नहीं देखा, जैसे कि मैंने आज स्टेटस लगाया और वो 24 आवर्स बाद हट गया व्हाट्सएप से, बट आपको मेरा स्टेटस देखना था कि आप लोग सोचते हो पता नहीं उसने क्या लगाया था स्टेटस के अंदर, ऐसा क्या था। तो आप जो है इस एप्लीकेशन से किसी का भी स्टेटस देख सकते हो हटने के बाद। हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप लोग इसे यूज़ करते होगे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताओ कि इसके अंदर आप 7 दिन बाद भी 7 दिन पहले के स्टेटस देख सकते हो किसी के भी जो आपके कॉन्टैक्ट हैं। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और यूज़ करते हो तब भी बताना, क्योंकि इस एप्लीकेशन को हर कोई यूज़ ही करता होगा। लेकिन जो ये न्यू अपडेट द्वारा निकाला है इस एप्लीकेशन में, ये बहुत ही बढ़िया निकाला है। 7 दिन पहले के आप स्टेटस देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा।